हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एंजाइम 3 मिनट्स लर्निंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेली प्राइम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेली प्राइम पे कंपनी कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, अभी तक जो हमारे पुराने वर्जन चले आ रहे थे टेली ERP 9, उसका एडवांस वर्जन जो है वो आ चुका है, जो है टेली प्राइम। तो हम लर्न करेंगे टेली प्राइम के बारे में। सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे क्रिएशन कंपनी की। तो सबसे पहले आप जो विंडो ओपन करेंगे वहां पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट कंपनी का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी फर्म का नाम, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज। उसके बाद आपको डालना है अपना मेलिंग एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल आपने डाल दिया अपना मेलिंग एड्रेस, जो भी है आपका, जहां से आपकी फर्म जहां बिलोंग करती है। के बाद आपको एंटर करना है स्टेट। ठीक है, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहां का आपका GST नंबर है या जहां का आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आप वो स्टेट यहां पे एंटर करेंगे। वहां का पिन कोड आप एंटर करेंगे, टेलीफोन नंबर आपका जो भी है, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो जो डिटेल्स आपकी फर्म में है, जो एग्जिस्टिंग डिटेल्स है, आप वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो नॉर्मली जो फर्म्स रहती हैं वो अपना फाइनेंशियल ईयर एंड अपनी बुक्स जो है वो सेम डे से ही बिगिन करती है। इसको आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मेरा आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1st April 2021 एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1st April 2021। मैं इसको एज इट इज कंटिन्यू कर लूंगी बेस करेंसी सिंबल, क्योंकि हमने कंट्री अपनी इंडिया सेलेक्ट की है, हमारा बेस करेंसी सिंबल रुपी ही रहेगा एंड फॉर्मल नेम में यहाँ पे इंडियन रुपी से ही हम कंटिन्यू करेंगे। इसको सिंपली हम एक्सेप्ट करके यस कर देंगे। अब ये फॉर्म हमारी जो है वो क्रिएट होगी। अब ये थोड़ी सी हमें इसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछेगा, मेंटेन अकाउंट्स, एनेबल बिल वाइज एंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, enable goods and services tax and enable TDS। ठीक है, तो आप ये सारी डिटेल्स आप सीधे यस करके आप इनको एंटर कर सकते हैं। ये हमारी GST के रिलेटेड इनसे हमसे डिटेल्स सारी पूछ ली। ठीक है, उसी को आप सिंपली एक्सेप्ट करके जो जो आपकी फर्म की रिलेटेड, आपकी फर्म में एप्लीकेबल जो भी डिटेल्स होती हैं, आप उनको डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। अगर आपकी फॉर्म में TDS भी एप्लीकेबल है, आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अदरवाइज इसको सिंपली विंडो को एक्सेप्ट से आप यस करके इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी फॉर्म जो वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज के नाम से हमने जो क्रिएट किया है वो हमारी यहाँ पे आपको शो होगी। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया कि टेली प्राइम पे हम कंपनी क्रिएशन किस तरह से करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।